हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप पीसी के लॉक को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं इजीली इन विंडोज़ 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले स्टार्ट बटन में आना है, उसके बाद ऊपर सेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे अकाउंट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे साइन इन ऑप्शन में आना है। यहाँ पे नीचे दे सकते हैं पासवर्ड, यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद आपको और एक बार देना है और नीचे पासवर्ड हिंट है। पासवर्ड हिंट का मतलब मैंने क्या पासवर्ड दिया उसको शॉर्ट में लिखना। तो मैंने 1 से 6 तक पासवर्ड दिया है। तो मैं यहाँ पे 1 TO 6 मतलब 1 to 6 में यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे नेक्स्ट कर दूँगा, उसके बाद फिनिश। तो हो गया है। तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। अब मैं स्टार्ट पे क्लिक करके मेरे अकाउंट पे मैं राइट क्लिक करके लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर उठाकर अनलॉक कर दूँगा। तो गाइस, ये पासवर्ड वाला ये अनलॉकिंग प्रोसेस ना, ये पीसी वाले मतलब वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं, तो इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं फिर से वो स्टार्ट में क्लिक करता हूँ और ऊपर सेटिंग में, उसके बाद फिर से अकाउंट में जाना है और उसके बाद साइन इन ऑप्शन में, और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे चेंज करना है। इस बार आपको चेंज करना है, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है उसको आपको दे देना है। तो मैंने 1 से 6 तक दिया था, देख लीजिए। और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद फिनिश कर देना है। तो आपका ये पासवर्ड हट गया है। तो मैं फिर से आपको लॉक करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, पीसी वालों ने इस बार भी वो पासवर्ड अनलॉकिंग का टाइम वीडियो को नहीं रिकॉर्ड करने दिया है। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना।